हमारा पुत्र उमेश शर्मा और जिसका रुद्रपुर जॉब करते थे, उस जॉब में मतलब वो लड़की झगड़ा करती थी, कम से कम लगभग 9 कमरे बदल दिए थे। 9 कमरे बदलने पर लड़के को मार के झगड़ा करती, गंदगी रखती थी और उसी गैर में उसी मकान से फरार हो जाती थी। और शिकायत करने पर उसके मैके वाले पहुँचते थे और उमेश को भी मारा पीटी करते थे। इसके बाद वहाँ जॉब छुड़वाने के बाद ग्राम कुड़िया में आए, कुड़िया में फिर आकर के झगड़ा किया उन लोगों ने। और झगड़ा करने के बाद फिर उन्होंने जॉब हमने यहाँ एक थाने में FIR लगाई थी। थाने की रिपोर्ट फाइनल होने के बाद में यहाँ पर बरेली जॉब की, बरेली जॉब करने का हम 5 कमरे बदल दिए उन्होंने। एक बार गांधी उद्यान में नौकरी करते थे गार्डगिरी की, उस गार्डगिरी के उपलक्ष्य में उन्होंने सूचना दी और सूचने पर और जब मैके वाले बुलाए, मैके वाले आकर के गांधी उद्यान में मारा पीटी की। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बहू आपके लड़के को परेशान करती है? वो अधिक परेशान करती है, हमेशा उसकी बहुत लंबी जान माल का खतरा बना रहता है। जान माल का खतरा बना हुआ है? जी हाँ। अच्छा, अभी मेरी गैर मौजूदगी में मैं मार्केट में था और मेरी गैर मौजूदगी में मैं घर पर गए थे और घर पर जाकर के मारा पीटी की। और मारा पीटी हमारी एक लड़की, कब की बात है? 7 तारीख बात है। तो हमारा बेटी, हमारी एक लड़की है शादीशुदा है जिसके 9 महीने का गर्भ था, उसका काम ही फाड़ दिया, उसकी NCR थाने में दी गई है। तो आप इसमें क्या चाहते हैं? आप हैं क्या चाहते हैं इन लोगों के खिलाफ? इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर। अच्छा, ठीक है। हाँ बताइए। वो आए थे और उसका धसिए से एक कान फाड़ा है और कुंडल पहने हुए, उनका भी पता नहीं लगा, फ्लाट बोल ले गए या गिर गए इसको नहीं जानकारी है, गले में लर भी थी। अच्छा, हाँ। किसकी थी लर गले में? हमारी लड़की भी गर्भवती थी, अपनी देहाता थी, वो अपने घर की थी, वो अचानक आ गई थी वहाँ पर।